नमस्कार, ऑल इन वन क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज। ये हम बिना स्टीमर के बनाएंगे। देखिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने इस बाउल में एक कटोरी लौकी, एक कटोरी प्याज ले लिया है और उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, जिससे कि ये पानी छोड़ दे। लौकी और प्याज को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और चॉपर में बारीक चॉप भी कर सकते हैं। मैंने इसको चॉपर में बारीक चॉप करा है। हम एक बाउल में मैदा ले लेंगे। ये हमने 2 कटोरी मैदा लिया है, उसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच रिफाइंड डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंथ लेंगे। इसको हमें मुलायम गूंदना है, सॉफ्ट डो बनाना है इसका, जैसे रोटी के लिए बनाते हैं वैसे ही। सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, इसने पानी छोड़ दिया है लौकी और प्याज ने, और हम इसको अच्छे से निचोड़ कर दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच ही अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हमने दरदरा पीस लिया है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डो रेडी हो गया है, लगभग 15 मिनट हो गए हैं इसको। हम इसको एक बार फिर से अच्छे से गूंथ लेंगे। और अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। इसके लिए अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे ऐसे ऐसे लोइयां बनाकर, और उनको फिर ऐसे रोल कर लेंगे। सारी लोइयां तैयार कर लेंगे। लोइयां तैयार हो गई हैं और चकले पर हमने सूखा आटा डाल दिया है और ऐसे करके हम छोटी छोटी पूड़ियां बेल लेंगे। तो बेल लिया है, अब इनको हम एक एक उठाकर और भरेंगे। और इनको शेप देते जाएंगे। ये ऐसे ऐसे करके हम सारी भर लेंगे। गैस पे एक भिगोने में 2 ग्लास पानी उबलने के लिए रखा था, पानी उबल गया है। अब हम इसके ऊपर ये छन्नी में हमने ये मोमोज लगा दिए हैं। पहले हमने छन्नी को ग्रीस किया ऑयल से, फिर उसके में एक एक करके मोमोज रख दिए हैं, ये देखिए। और अब इसको ढक देंगे। दस मिनट के लगभग हो गए हैं, हम इसका ढक्कन हटा के देखेंगे। अभी हुए नहीं है ये, अभी इनमें 5 मिनट और लगेंगे। हम इसका ढक्कन वापस लगा देते हैं। मिनट और हो गए हैं, हम इनको अब देख लेते हैं। ये अब बिल्कुल रेडी हैं, गैस ऑफ कर देते हैं। इनमें स्टीम होने में लगभग 20 मिनट लगे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।